हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। साथियों, आज का जो वीडियो है, जैसा कि पहले मैंने बताया है आपको, यूपीएससी सीडीएस सेकंड कंबाइंड डिफेंस सर्विस ऑनलाइन के फॉर्म मांगे गए हैं इसके आवेदन। तो आवेदन का जो पूरा फुल प्रोसेस है, नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख पाएंगे कि क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, और वेबसाइट पर भी, इस ऑफिशियल जो चैनल की वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप पार्ट वन और पार्ट टू दोनों रजिस्ट्रेशन हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि सारी डिटेल्स यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी और समझ सकेंगे आपकी किस प्रकार से आवेदन करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले इस वेबसाइट का जो पेज है, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जो पहला हमें अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक नया पेज यहाँ पर खुल जाएगा यूपीएससी का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि हमें आवेदन करना है संयुक्त रक्षा सेवक परीक्षा सेकंड के लिए, 2019 में आवेदन मांगे गए हैं। तो इसका जो पार्ट वन रजिस्ट्रेशन है, पहले हमको ये करना है। तो हम पहले पार्ट वन पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन रहेगा, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद यहाँ पर यस कर दीजिएगा, ठीक है। यस कर दीजिएगा। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो वहाँ पर भी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर भी आगे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। नहीं तो आप यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्म को इस तरह पेज खुल जाएगा, तो इसको हम लोग फिल करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। तो हम यहाँ पर अपना नाम भर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल। फिर यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें देखते रहिए तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर एंटर करना है। हम यहाँ पर अपने फादर का नेम इंटर करते हैं। फिर यहाँ पर मदर नेम इंटर करना है। सारी चीज़ें जो आपके सर्टिफिकेट में है वैसा ही अपडेट करिएगा, गलत मत अपडेट करिएगा। यहाँ पर पहले से ही राष्ट्रीयता इंडियन है, यानी कि भारतीय है, उसको रहने दीजिएगा। मैरिड जो स्टेटस है वो आप यहाँ पर सबमिट करिएगा, ओके। अनमैरिड है या मैरिड है वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद समुदाय आपका, यानी कि आपकी कैटेगरी OBC SC ST जनरल क्या है, जो भी है, माई ST है, तो हमने ST फिल कर दिया, ओके। यहाँ पर क्या आप अल्पसंख्यक हैं, अगर तो यहाँ पर आपको फिल करना है, हाँ है या ना है, तो हम यहाँ पर ना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये सर्टिफिकेट के लिए अपलोड किया, तो जो समुदाय पत्र की जो तारीख है, ये किस तारीख को आपने जनरेट किया है, यानी कि जिस तारीख को आपने ये बनवाया है, वो यहाँ पर ये मांगा जा रहा है, तो हम वो डेट यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो हम डाल देते हैं, मान लीजिए 1/6/2019 को हमने बनवाया अपना सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आपको ये फिल करना पड़ेगा। आप अपने सर्टिफिकेट में देख के ही यहाँ पर फिल करिएगा कि किस तारीख को आपने सर्टिफिकेट बनवाया है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस इसके लिए नहीं देनी रहेगी। आपकी जो शैक्षिक चयन है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने क्या पास किया है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो सेलेक्ट करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 10+2 का, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो, पहले नोटिफिकेशन चेक करिएगा, उसके अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना एड्रेस फिल करते हैं। आपको भी यहाँ पर अपना एड्रेस डालना रहेगा, यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देते हैं, ठीक है। हमने एड्रेस यहाँ पर अपना फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका शहर कौन सा शहर है, वो आपको यहाँ पर अपना शहर फिल करना है। हमने अपना शहर फिल कर दिया। स्टेट, किस स्टेट से हैं आप, वो स्टेट यहाँ पर आपको इंटर करना है, स्टेट हमने कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अपना अपने एरिया का जो पिन कोड है उसको आपको यहाँ पर डालना है। अपने एरिया के पिन कोड को यहाँ पर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, और मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक। मोबाइल नंबर के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी देनी है। जो ईमेल आईडी दीजिएगा वो गलत बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि सारी जो भी चीज़ें आगे आपकी होंगी वो ईमेल आईडी से ही संपर्क में होंगी, यानी ईमेल आईडी पर ही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं इससे संबंधित डिटेल को, पूरी डिटेल से यहाँ पर आप ले
सकते हैं, ठीक है, इसलिए गलती मत करिएगा। यहाँ पर आपको इसलिए फिर से कंफर्म करने के लिए कहा गया है कि जो आपकी ईमेल आईडी है उसकी आप यहाँ पर पुष्टि करें, तो यहाँ पर हम इसकी पुष्टि कर देते हैं ईमेल आईडी की, क्योंकि गलती ना होने पाए तो इसको यहाँ पर आप ईमेल आईडी अपनी एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई वैकल्पिक, यानी एक ईमेल आईडी आपने क्लियर कर दी, कंफर्म कर दी, उसके बाद दूसरी अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी और भी है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर है तो आप जरूर यहाँ पर डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और इतना फॉर्म भरने के बाद पूरी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा अच्छे से, चेक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको आप पर पहुंच जाएंगे आप सेकंड पेज पर, और यहां से आपको पूछेगा आप अपना एक फ़ोटो पहचान पत्र बताइए क्या है आपके पास, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, क्या है, तो जो आपके पास हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ और है तो कुछ और आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो जैसा है जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो सेलेक्ट करिएगा उसका नंबर यहाँ पर आप इंटर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसका नंबर यहाँ पर एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना है, आधार नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है दोबारा से उस आधार नंबर को यहाँ पर कंफर्म करिए, तो दोबारा से हम कंफर्म कर देते हैं, और यहाँ पर हमने दोबारा से आधार नंबर को कंफर्म कर दिया। इतना कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर आपको आगे क्या देखना है, क्या आपके पास DCA भारत द्वारा जारी वैध एवं जो पायलट का लाइसेंस है वो है। अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो इसको नो रहने दीजिएगा, ठीक। आपके पास NCC का कोई प्रमाण पत्र है, बहुत सारे अभ्यर्थी NCC का प्रमाण पत्र रहता है उनके पास, अगर कोई है आपके पास तो यस करिएगा, नहीं है तो कुछ भी मत करिएगा। अगर सैन्य बल में आप कार्यरत हैं तो यस करिए, अन्यथा नो रहिए। किसी सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं तो यस करिए, नहीं तो नहीं रहने दीजिए। और इतनी चीजें फिल करने के बाद कंटिन्यू। साथियों यहाँ पर इस पॉइंट को एक बार फिर से समझ लें, ये वरीयता मांग रहा है यहाँ पर, तो इस वरीयता में आपको सेलेक्ट करना है कि आप इन जो अब मैंने जैसा कि बताया था आपको पिछले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चार तरह के डिफेंस में आप हो, तो किसको आप वरीयता देना चाहते हैं, इसको आप एक नंबर में रखना चाहते हैं, या इसको दो नंबर पर रखना चाहते हैं, इसको हम तीन नंबर पर रखना चाहते हैं, और इसको हम चार नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इस तरह आपको वरीयता देनी है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल्स जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका डिटेल्स क्या है। तो ये यहाँ पर वरीयता देनी है और फिर हमें कंटिन्यू यहाँ पर कर देना है, ठीक। फिर यहाँ पर जैसे ही आप उतना फिल करने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपका देखिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन आगे कंप्लीट हो जाएगा, और आप इसको पूरा अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई यहाँ पर आपकी कमी तो नहीं है, यहाँ पर जो वरीयता आपने दी है सब चीज़ें सही है कि नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर अपडेट का देखिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाकर आप सही कर सकते हैं। नहीं अगर आपको एकदम सही लग रहा है तो आप तुरंत ही जो कैप्चर कोड दिख रहा है इस कैप्चर कोड को आप यहाँ पर एंटर करिएगा। तो हम इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देते हैं, और कैप्चर कोड डालने के बाद आई एग्री मैं सहमत हूँ इस पर आपको कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, उसको ओके कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर ओके करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ को एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यानी कि ये पूरा आपका पहला रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट स्लिप पे क्लिक कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन पार्ट वन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे इस पर आप इसे क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन संख्या अपनी डाल देनी है, और आपको अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमारी डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे 1997 सेलेक्ट करने के बाद इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो हम इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देते हैं, तो चलिए कैप्चर कोड को यहाँ पर डालते हैं और 7, और उसके बाद आपको कैप्चर कोड में 2 और 8, फिर इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। तो जैसे करेंगे देखिए आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा, और इसको आपको प्रिंट यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया, और ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करिए, और इसको यहाँ पर आप अपने डेस्कटॉप पर सेव भी कर सकते हैं, ऐसे सेव कर लीजिए और बाद में आप कभी भी प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, फिर हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, इस तरह से आपको सेव कर लेना है, ठीक। ये आपका हो गया पार्ट वन। अब
इसी के नीचे आप देखिए लिख कर आ रहा है पार्ट टू रजिस्ट्रेशन, तो पार्ट टू रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर सेलेक्ट करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अब हमें पार्ट टू का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट अपना करना है। तो अब पार्ट टू समझ लीजिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, जो कि गलती ना होने पाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे अपना कैप्चर कोड, तो हम यहाँ पर अपना कैप्चर कोड डाल देते हैं 3 और फिर B2Z2 और उसके बाद सबमिट क्लिक कर देंगे सबमिट पर। तो सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे खुलेगा पार्ट टू के लिए, तो यहाँ सबसे पहले आपसे पूछेगा परीक्षा केंद्र कहाँ पर आप लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जहाँ पर भी आपको चाहिए हो, आप हम लखनऊ लेना चाहते हैं, हमने लखनऊ कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद आप उसको तुरंत जमा कर दीजिए, यानी कि सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, केवल परीक्षा केंद्र यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपसे पूछेगा आप अपनी फोटो अपलोड करें, अपनी हस्ताक्षर अपलोड करें और स्कैन किए गए अपने फोटो पहचान, यानी कि जो फोटो पहचान पत्र है, दस्तावेज है आपका, वो जो आपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी लगाया है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोटो को अपलोड कर देते हैं। चलिए हमने फोटो अपलोड कर दी, फिर हम यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया। अगर आपका जेपीजी में चाहिए, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि जो आपका पहचान पत्र होगा, वो आपका इनका पीडीएफ फाइल में मांग रहे हैं, तो हम इसको पीडीएफ फाइल जो इसकी है वो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ फाइल यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। चलिए हमने पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी और हमने फिर इसको अपलोड इमेज कर दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारी फ़ोटो, सिग्नेचर और हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसको आप री अपलोड करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप री अपलोड पर क्लिक करिएगा और दोबारा से सिलेक्ट करके आप री अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर अब आपका फ़ोटो जो आइडेंटिटी नंबर है वो यहाँ पर मांगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर आपने डाला था वो आपको यहाँ पर इंटर करना है, तो हम उसको इंटर कर देते हैं। और इंटर करने के बाद अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम इंटर कर देंगे, तो हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको इतना इंटर करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको ये जो घोषणा की है, आपने सारी चीज़ जो पढ़ ली है, पढ़ने के बाद अगर आपको एक्सेप्ट है तो यहाँ पर ग्रीन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, हम इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने देखा कि आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत कर लिया है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप यहाँ पर कहीं भी गलत जगह क्लिक मत करिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर मेरा तो फॉर्म बंद हो गया, तो ये गलत मत कीजिए। यहाँ पर देखिए व्यूज प्रिंट एप्लीकेशन लिखकर आ रहा है व्यू, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फिर से वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करिए, अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिए, आप कोई भी गलती मत करिएगा, आराम से करिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो सन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो आप यहाँ पर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये जो कैप्चर कोड है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देना है। तो कैप्चर कोड को आप यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो चलिए हम कैप्चर कोड को यहाँ पर डालते हैं और जैसे ही हम सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा फॉर्म पूरा इस तरह से खुल जाएगा जो हमने अभी फिल किया है। यहाँ पर आप सब चीज़ें देख सकते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, हर चीज़ें यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। और इसके बाद प्रिंट एंड प्रीव्यू पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर प्रीव्यू आ गया। आप इस प्रीव्यू को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और देखने के बाद यहाँ देखिए प्रिंटर बनकर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सेम वैसा ही सेव फाइल के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, पीडीएफ फाइल यहाँ पर आपकी देखिए आ गई और इसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपके डेस्कटॉप पर, जहाँ पर आप सेव करना चाह रहे हैं, सेव कर लीजिए और इसको यहाँ पर कह रहा है कि नाम आप अपना दूसरा डाल दीजिए कोई, तो हम यहाँ पर कोई अपना दूसरा नाम डाल देते हैं और इसको फिर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से इसको करते हैं और सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से ये फाइल सेव होने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने चलिए नाम डाल दिया और उसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए आएंगे अपने डेस्कटॉप के होम स्क्रीन पर और यहाँ पर देखिए ये जो हमने अभी अभी सेव किया है अपना जो फाइनल प्रिंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट वन है हमारा और हमारा पार्ट टू रहा ये। ठीक है, तो पार्ट टू पार्ट वन दोनों हमारा सेव हो चुका है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट टू रहा और हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है,
इस तरह से आपका पूरा ये फॉर्म सेव हो जाएगा और इसको जब चाहे आप प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है, कोई गलती ना होने पाए इसलिए आराम से इस फॉर्म को भरिएगा। मुझे उम्मीद है लगभग सारी इंपॉर्टेंट जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है सब चीज़ें आप समझ गए होंगे कि क्या भरना है, कैसे भरना है, कोई गलती नहीं होने पाएगी। तो कोई भी अगर आपको परेशानी होती, कुछ नहीं समझ में आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।